Hi friends, I am back. आज हम बात करने वाले हैं प्यार के महीने की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो महीना है फरवरी का, ऐसा कहा जाता है कि ये प्यार का महीना होता है, क्योंकि इस महीने में आता है वैलेंटाइंस डे। और जितने भी यंगस्टर्स हैं या जो मिडिल एज के लोग हैं या जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी नहीं हुई है, इनफैक्ट जो बूढ़े भी हो चुके हैं, सब लोग, हर कोई प्यार का भूखा होता है। हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उसे प्यार करे, इम्पोर्टेंस दे, उसे गिफ्ट ला के दे। कई लोगों के अंदर तो बस ये होता है कि उन्हें एक फूल मिल जाए, बस वही उन्हें उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। तो अगर आप भी इस तरह के पर्सन हैं कि आप भी इस मंथ में बहुत सारा प्यार सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर ही आपको प्यार करे, ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को प्यार करें, अपने आप को टाइम दें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हमने बहुत सारी जिम्मेदारियां ले रखी होती हैं और जिसकी वजह से हम खुद को बिल्कुल टाइम नहीं देते। हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, अपने दिमाग का ध्यान नहीं रखते, यहाँ तक कि कई बार तो हम आराम करना ही भूल जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आइए बात करते हैं कि कैसे आप खुद के लिए अपने मन में सेल्फ लव बढ़ा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप खुद के लिए भी गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, खुद के लिए चॉकलेट खरीद सकते हैं, या फिर खुद के लिए ऐसा कुछ हॉलीडे या वेकेशन प्लान कर सकते हैं। आपने सोलो ट्रिप्स के बारे में तो सुना ही होगा, आप सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर कि भाई मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं अकेला कहाँ जाऊँ या मैं अकेली क्या करूँ, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सही पार्टनर का होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ वैलेंटाइंस डे पर मेरे साथ भी कोई तो है, गलत पार्टनर के साथ जाना भी गलत है। इसलिए अगर आप सिंगल हैं तो बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप अकेले भी कर सकते हो और आपको बहुत मज़ा आएगा और आप किसी की भी आपको उस टाइम पे ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको खुद से सवाल पूछना होगा कि आपको किसी की ज़रूरत क्यों है। क्या आप उसके साथ फिजिकल अटैचमेंट के लिए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं? आपको अपने आप से खुद से ये क्लैरिटी के साथ ये पूछना होगा कि क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए है कि आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि आपका भी कोई पार्टनर है, या फिर आपके अंदर ऐसी क्रेविंग आ रही है कि आप फिजिकली किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपके अंदर ऐसा कुछ है कि आप खुद को शेयर करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी बातें कोई मन से सुने, आपकी बातों को, आपकी सिचुएशन को कोई ध्यान लगाकर आपकी बातों में इन्वॉल्व हो जाए। मतलब क्या एग्जैक्टली क्या आपकी नीड क्या है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की रिलेशनशिप में जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से काम करने में आपको बहुत मज़ा आता है। क्या आपको अकेले कुछ एक्टिविटीज़ में मज़ा आता है? जैसे कई लोगों को साइट सीइंग में बहुत मज़ा आता है, वो कहीं भी जाकर किसी भी खूबसूरत जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। बर्ड वॉचिंग में बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा लॉन्ग वॉक पे बहुत मज़ा आता है कि अपने कानों में हेडफोन लगा लिए और उसके बाद चल दिए लंबी वॉक पर। तो ये चीज़ें आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो करके आपको बहुत जॉयफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, और वो चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ पैम्परिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की है, इवन लड़कों के केस में भी ऐसा होता है, हर किसी को ये चीज़ पसंद होती है, आप खुद की पैम्परिंग कर सकते हैं। मिसिंग आउट फील करने से ज़्यादा अच्छा है कि आपको फोमो फील हो, इससे अच्छा है कि आप अपना ध्यान रखें। आप कहीं भी हेयर स्पा के लिए जा सकते हैं, बॉडी स्पा के लिए जा सकते हैं, आप सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं। सोलो ट्रिप पे जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अकेले निकल जाएं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि सोलो ट्रैवलर्स को लेकर जाते हैं, आपको सिर्फ उन्हें पैसे देने होते हैं और आप 18 साल से ज़्यादा एज के होने चाहिए, तो आप उनके साथ ट्रिप पे जा सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी पार्टनर को लेके जाना है या फिर किसी साथी को लेकर जाना है। इसके अलावा जो आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो ये कि आप ही की तरह आपके और भी दोस्त होंगे जो कि अकेले होंगे, आप उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। यानी कि
आप उन दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो मेंटली आपके बहुत क्लोज हैं, जो इमोशनली मेंटली आपको समय देते हैं, आप उनके साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो भी लोग कपल बन जाते हैं वो लोग ऐसा शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, स्पार्क नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जब कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो एक दूसरे को बहुत टोका टाकी करते हैं। इसी तरह से जैसे कि कपल लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वैसे ही सिंगल लाइफ की बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। जब आप सिंगल होते हैं तो कोई भी आपको टोकने वाला नहीं होता है कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, या फिर आप गंदे लग रहे हैं या फिर आप अच्छे लग रहे हैं, ऐसा कोई भी आपको टोकने वाला नहीं होता है। आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता है सिंगल होने का, जो मुझे लगता है कि आपको इंजॉय करना चाहिए। और अंत में आप एक ऐसा काम कर सकते हैं, मैं आपको एक टास्क देने वाली हूँ जो आप कर सकते हैं इस मंथ में, वो ये कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, अगर आपके पास बहुत लंबी उम्र हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो, या अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों, तो आप क्या करेंगे लाइफ में। क्योंकि अभी जनरली ऐसा होता है कि जब भी हमें कुछ करना होता है तो हम कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, यार जब ये होगा तब मैं ये करूँगी, या फिर ये बोल देते हैं कि अभी तो मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, अभी तो मैं जब पतली हो जाऊंगी तो फिर मैं ये करूँगी। तो इस तरह की इफ और बट वाली एक लिस्ट आप बना सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका विजन कितना ज़्यादा है, आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं, और उसके बाद आप सिंगल होने का फायदा उठा सकते हैं कि आप उस लिस्ट में से जो ऐसी चीजें हैं जो कि आप अभी भी कर सकते हैं, उन्हें आप अलग से निकाल कर और फिर कर सकते हैं। तो ये था आपका इस महीने का टास्क, और मैं चाहूंगी कि जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस मंथ में मैं सेल्फ लव के ऊपर बहुत सारे ऐसे टिप्स लेकर आने वाली हूँ जिससे कि आपको अपने आप से प्यार करने में मदद मिलेगी।